जी, आज सबसे पहला टॉपिक हमने करना है कि हियर से एविडेंस को क्या कहते हैं। देखिए, कहते हैं कि सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी पे आप यकीन नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जिसने ये स्टार्ट की होती है ना चेन, वही उसकी उस पे क्या कहते हैं, वो उसके प्रूफ करने से उसको कासिर होता है। वो कहता है कि मैं इस चीज़ को प्रूफ नहीं करूँगा। तो एक चेन है जो कि सही तरीके से प्रॉपरली डेवलप नहीं होती। तो हम ये पढ़ते हैं कि हियर से एविडेंस क्या है और कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसमें उस बात को यकीन कर लिया जाता है। इंट्रोडक्शन, टेलर 12th एडिशन। इट इज़ ऑल एविडेंस विच डज नॉट ड्राइव इट्स वैल्यू सोली फ्रॉम द क्रेडिट गिवन टू द विटनेस हिमसेल्फ, बट विच रेस्ट ऑल्सो इन पार्ट ऑन द वेरेसिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ सम अदर पर्सन। इसकी क्रेडिबिलिटी का दारोमदार विटनेस पर नहीं होता, बल्कि कि किसी और पर्सन की वेरेसिटी कॉम्पिटेंसी पर इसकी डिपेंडेंसी होती है। रेलिवेंट प्रोविजन आर्टिकल 17 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर। ये दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओरल एविडेंस कब डायरेक्ट हो सकती है। ये एक ही क्वेश्चन इसका बन रहा है। अच्छा, क्रॉस रेफरेंस चैप्टर 1, हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3, इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म हियर से। ट्रेडिशनली अ टेस्टिमनी दैट इज गिवन बाय अ विटनेस हु रिलेट्स नॉट वट ही और शी नोज पर्सनली, बट वट अदर्स हैव सेड, दैट इज देयर फॉर डिपेंडेंट ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ सम वन अदर देन विटनेस। इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म एविडेंस, समथिंग दैट टेंड्स टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अलेज फैक्ट। जुरिस्टिक डेफिनेशन ऑन टर्म हियर से एविडेंस, 5th एंड 8th एडिशन। द टर्म हियर से इन इट्स यूजुअल एंड नैरो सेंस कन्फाइंड टू अनस्वॉन स्टेटमेंट, मतलब बगैर कसम के ये स्टेटमेंट दी जाती है। अफर्मेशन पे, एफिडेविट की बुनियाद पर नहीं दी जाती। अनस्वॉन स्टेटमेंट यूज टू प्रूव द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट्स डिक्लेयर। स्कोप ऑफ हियर से एविडेंस, हियर से इज नॉट नाउ कन्फाइंड टू ओरल स्टेटमेंट। इट इंक्लूड्स वट इज डन और रिटन एज वेल एज टू वट इज स्पोकन। ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। रूल एज टू ओरल एविडेंस अंडर आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 स्टिपुलेट्स, या आप इधर एक्सप्लेन लिख सकते हैं, दैट ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, दैट इज इट रेफर्स टू अ फैक्ट विच कुड बी सीन, इट मस्ट कम थ्रू द पर्सन हु सेज ही सॉ द सेम, इट रेफर्स टू अ फैक्ट विच कुड बी हर्ड, इट मस्ट कम थ्रू दैट पर्सन हु सेज ही एक्ट ही हर्ड इट, इट रेफर्स टू अ फैक्ट विच कुड बी परसीव्ड, मतलब जिसे महसूस किया जा सकता है, इट मस्ट कम फ्रॉम द पर्सन हु हैड एक्चुअल परसेप्शन ऑफ दैट फैक्ट, If it refers to an opinion or its ground, it must come from the person who holds that opinion on those ground. Rule of best evidence. Rule of best evidence must be produced before the court. General rule as to hearsay evidence. Hearsay evidence is no evidence. Reasons for rejection of hearsay. ये इसकी reasons है जिसकी वजह से इसको reject किया जाता है. Being the irresponsibility of the original declarant. डेप्रीसीशन ऑफ ट्रूथ, मतलब सच की इसमें कमी होती है, फुकदान होता है इन द प्रोसेस ऑफ रेपिटिशन। द अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रॉड, द वेस्ट ऑफ टाइम इन्वॉल्व इन लिसनिंग टू आइडल र्यूमर। हियरसे एविडेंस व्हेन एडमिसिबल, हियरसे एविडेंस इज एडमिसिबल फॉर सर्टन पर्पजेज व्हेन इट इंट्रोड्यूसेस और एक्सप्लेन अ पीस ऑफ कंडक्ट और अ कोर्स ऑफ एक्शन टेकन बाय द विटनेस बिफोर द कोर्ट, एक्सेप्शन टू जनरल रूल। अब कहाँ पर हियरसे एविडेंस एडमिसिबल है? एडमिशन एंड कन्फेशन की सूरत में, या किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन है। कॉन्सेप्ट ऑफ शहादा अला अल शहादा आ जाता है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ उसको। स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस, स्टेटमेंट मेड इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। सबसे पहले कन्फेशन एंड एडमिशन है कि एक्सेप्शन समझी जाती है हियरसे रूल के के खिलाफ ना, या उसकी एग्जेम्पशन में, ठीक है? तो ये एडमिसिबल हो जाती है। Admission and confession are usually treated as exception to the hearsay rule, considering them as declaration against interest and therefore probably true. Opinion of expert expressed in treatise under Article 71, Proviso 1. The opinion of expert expressed in treatise and the grounds on which such opinion are held can also become exception to the general rule. Shahada ala al shahada. Isme ye hota hai ki jab koi विटनेस फौत हो जाता है या अब इनकैपेसिटेटेड है कि वो गवाही नहीं दे जा सकता, तो उसकी जगह पर पार्टी के लिए प्रोविजन रखी कि आप उसकी जगह दो विटनेसेस अपॉइंट कर दें, मतलब गवाही पर गवाही का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आगे है स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस अंडर आर्टिकल 47। डेक्लेरेशन रिलेटिंग टू कॉज ऑफ डेथ, डेक्लेरेशन मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और ड्यूटी,
डेक्लरेशन अगेंस्ट इंटरेस्ट, डेक्लरेशन एज टू पब्लिक राइट, डेक्लरेशन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, डेक्लरेशन बाय टेस्टेटर इन द विल, डेक्लरेशन बाय सेवरल पर्सन एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स. स्टेटमेंट मेड इन जुडिशियल प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 47. द स्टेटमेंट गिवन बाय विटनेस इन फॉर्मल जुडिशियल प्रोसीडिंग कैन बी एडमिसिबल इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग. एविडेंस हैज़ बीन क्रॉस एग्जामिन्ड. सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज. इशूड इन्वॉल्व द सेम एविडेंस वॉज गिवन इन जुडिशियल प्रोसीडिंग. इसमें क्राइटेरिया ये है कि अगर विटनेस ने पहले एविडेंस दी है और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है, तो अगर बाद में वो एविडेंस नहीं दे सकता तो उसकी पहली ही बात पे रिलाई करके उसको एडमिसिबल बनाया जा सकता है. अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, आगे चलो. अच्छा, बाज़ुकात ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या चेक्स लगाए गए हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं क्रॉस एग्जामिनेशन की पावर्स पे. अब क्रॉस एग्जामिनेशन आपको पता है कि तीन मोड्स होते हैं एग्जामिन करने के. सबसे पहले तो जो आपका बयान रिकॉर्ड होता है ना, पार्टीज अपने गवाहान का करवाती है, उसे हम एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं. और फिर उसके ऊपर ऑपोजिट पार्टी जो सवालात करती है उसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं. और अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई नई बात आती है सामने और आप अपने गवाह का दोबारा से बयान करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो री एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है. तो तीन मोड्स हैं, तीन स्टेजेस हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन. ये अलग से हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है. फिलहाल अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन की पावर पे क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं. अब क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसा हथियार है कि आप ओपोनेंट पार्टी के जो केस है उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ये अभी एक मिनट जरा ठहरे. अच्छा जी, नो डाउट क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस फॉर द इल्यूसिडेशन मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द फैक्ट्स ऑफ केस एंड ऑल रीजनेबल लैटिट्यूड, मतलब जो भी कमी बेशी है, शुड बी अलाउड. बट द जज हैज़ ऑलवेज अ डिस्क्रिशन एज टू हाउ फार इट मे गो और हाउ लॉन्ग इट मे कंटिन्यू. हाउ एवर, कोर्ट शैल नॉट अलाउ सच क्वेश्चन विच आर इनडिसेंट, स्कैंडेलस और डेफामेटरी. राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन दो इज़ वेरी वास्ट बट इज़ नॉट एक्सटेंडेड टू इंटीमिडेट, मतलब किसी को फियर दिलाने के लिए, उकसाने के लिए, और इंसल्ट अ विटनेस इन ऑर्डर टू शेक हिज कॉन्फिडेंस बाई आस्किंग इररेलीवेंट एंड इनडिसेंट क्वेश्चन. रेलिवेंट प्रोविजन आर्टिकल 143 to 149 ऑफ USO. Interpretation of cross-examination, the questioning of a witness at a trial or hearing by the party opposed to the party who called the witness to testify. Questions asked not relevant. इसमें तो मैंने खैर quotation लिखी, आप इसमें ये इसमें लिख सकते हैं कि अगर अदालत अपनी discretion इस्तेमाल करती है और उसको ऐसा लगता है कि ये question irrelevant है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो उससे पूछा जाए, ठीक है. उसके बाद अगली जो एक्सटेंशन सॉरी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो ये हैं, चेक्स ऑन अनफेटर्ड पावर्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, क्वेश्चन विच इंजर्ड विटनेस कैरेक्टर, क्वेश्चन नॉट बी आस्क विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स, इनडिसेंट एंड स्कैंडेलियस क्वेश्चन, क्वेश्चन विच इंजर्ड द कैरेक्टर इन केसेस ऑफ डेफामेशन, ठीक है. ये इसके आपने एक एक लाइन में इसको एलेबोरेट कर दें या बेयर एक्ट से भी देख के आप लिख सकते हैं, ठीक है. बाकी एक्सप्लेनेशन है कि अनरीजनेबल क्वेश्चन नहीं पूछने, स्कैंडेलियस क्वेश्चन नहीं पूछने, विटनेस को करेक्टर करने वाले सवाल आते, उस हवाले से रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं. डेफामेशन के केसेस में क्वेश्चंस में रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं. तो एक एक लाइन में आपने इसको एलेबोरेट करना है या आप इसको फिर यही मटीरियल यूज़ कर लीजिएगा. हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है, आगे चलो. कोई सवाल तो नहीं किसी का जी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन. उसमें मैंने आपको बताया कि तीन स्टेजेस आती हैं, चीफ आता है, क्रॉस एग्जामिनेशन आता है, री एग्जामिनेशन आता है. तो इसकी रेलिवेंट प्रोविजंस आर्टिकल 132 एंड 133 ऑफ USO है. रैशनल बिहाइंड दी कंडक्टिंग एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, क्या रीज़न है, क्या ऑब्जेक्ट है कि विटनेस का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है. टू चेक दी वैलिडिटी एंड अथेंटिसिटी ऑफ दी एविडेंस, ये इसके स्टेजेस हैं. और रूल्स क्राइटेरिया यहाँ पर ये सेटल्ड हुआ है कि जो CRPC में
और सीपीसी में प्रोसीजर बताया गया है उसके मुताबिक उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए। लेकिन अगर कोई रूल्स नहीं प्रोवाइडेड तो फिर जिस तरह से अदालत चाहे उस तरह की प्रोसीडिंग्स को अडॉप्ट किया जा सकता है विटनेस की एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, काइंडली ना ये म्यूट कर दें ताकि बैकग्राउंड में आवाज़ ना आए। एग्जामिनेशन इन चीफ मीनिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन एग्जामिनेशन इन चीफ इन विच द पार्टी हु कॉल्स विटनेस विल एग्जामिन हिम फर्स्ट। नेचर ऑफ डेपोजिशन मतलब किस तरह से स्टेटमेंट ली जाती है। द डेपोजिशन शैल बी पेन डाउन मतलब लिखी जाती है इन द नरेटिव फॉर्म जैसे कहानी बयान की जाती है। ऑब्जेक्ट टू एलिसिट द ट्रूथ टू प्रूव द फैक्ट्स विच बियर अपॉन द इशू इन फेवर ऑफ द पार्टी कॉलिंग द विटनेस। सब्जेक्ट मैटर द एग्जामिनेशन चीफ मस्ट बी कन्फाइंड टू फैक्ट्स इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स रिक्वायरमेंट द डेपोजिशन ऑफ विटनेस विद इन हिज पर्सनल नॉलेज एंड रिकोलेक्शन कन्फाइंड टू मैटर्स ऑफ फैक्ट हियर से एविडेंस इज एक्सक्लूडेड वेयर विटनेस सफर्स द लैप्स ऑफ मेमरी इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन इज अलाउड टू रिफ्रेश इट बाई रेफरिंग टू एनी रिटन डॉक्यूमेंट मेड बाई हिम। हाँ जी ठीक है, और लिमिटेशंस देख लेते हैं। लीडिंग क्वेश्चन कैन नॉट बी अलाउड एट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ। विटनेस इज ओनली टू डिपोज टू द फैक्ट्स विद इन हिज नॉलेज। ही इज नॉट अलाउड टू टेस्टिफाई एज टू हिज बिलीफ और ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द फैक्ट्स इन क्वेश्चन। अपनी ओपिनियन नहीं देनी बल्कि जो फैक्ट्स उसकी नॉलेज में उसके हवाले से उसने स्टेटमेंट देनी है। ठीक है, अच्छा ये अलहदा से नोट भी आ सकता है सारी एग्जामिनेशन पे। अच्छा जी अगला करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहीं से पहले आप मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मीनिंग ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी द क्वेश्चन ऑफ विटनेस एट अ ट्रायल और हियरिंग बाय द पार्टी अपोज टू द पार्टी हु कॉल्ड द विटनेस टू जस्टिफाई। ज्यूरिस्टिक डेफिनेशन ऑफ टर्म क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन दो अ वेरी पावरफुल इज ऑल्सो अ डेंजरस इंजन। इट इज़ अ डबल एज वेपन एंड एज ऑफन वॉन्ट्स हिम हु वील्ड्स इट एट एज हिम एट होम इट इज एम। मतलब बाज़ुकात ये है कि आपके केस को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है जो इसके काबू में आ जाता है। ऑब्जेक्ट टू इम्पीच द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस। विटनेस को मतलब झूठा साबित करने के लिए। टू इम्पीच अकरेंस एंड जनरल वैल्यू ऑफ द एविडेंस गिवन बाय हिम इन चीफ। टू एक्सपोज फॉल्सहुड टू एलिसिट द ट्रूथ। क्वेश्चंस लॉफुल टू आस्क इन क्रॉस एग्जामिनेशन। इस पे भी लैदर से क्वेश्चन आ सकता है तो वो फिर आप ये कीजिएगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन एक्सप्लेन करते हुए ना इसको एक एक लाइन में आगे एलेबोरेट कर दीजिएगा। ये आर्टिकल 141 में बताया गया है क्वेश्चंस लॉफुल टू आस्क इन क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, इधर मैं लिख भी देती हूँ। रिलेटिंग टू टेस्टिंग वेरेसिटी टू डिस्कवर हु ही इज एंड वट इज हिज पोजिशन इन लाइफ टू शेक हिज क्रेडिट बाई इंजरिंग हिज करेक्टर एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग टेंडिंग टू कॉरोबरेट एविडेंस ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स एडमिसिबल। लिमिटेशंस इनडिसेंट एंड स्कैंडेलियस क्वेश्चन। ये एक तरह से चेक्स रिस्ट्रिक्शन हैं जो ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, इसी में से आपको वो क्वेश्चन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इंटेंडिंग टू इंसल्ट और अनाय क्वेश्चन विच इंजर्ड विटनेस कैरेक्टर द कोर्ट शुड नॉट अलाउ अनड्यू प्रेशर और हरासमेंट बींग पुट ऑन विटनेस। अननेसेसरी लेंथी एंड इररिलेवेंट क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हैज़ नॉट बीन गिवन। ये एक एक लाइन में आप उसको एलेबरेट कर दीजिएगा अगर क्रॉस एग्जामिनेशन की रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से आती हैं या इसी को आप इसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। री एग्जामिनेशन मीनिंग द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड हिज री एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्ट टू फोर द पार्टी कॉलिंग अ विटनेस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ फिलिंग एनी लकुना और एक्सप्लेन इनकन्सिस्टेंसीज विच द क्रॉस एग्जामिनेशन हैज़ डिस्कवर्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ द विटनेस। क्वेश्चन टू बी आस्क इन री एग्जामिनेशन द पार्टी हैज अ राइट टू आस्क ऑल क्वेश्चन विच मे बी प्रॉपर टू ड्रॉ फॉर्थ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन यूज बाई द विटनेस ऑन क्रॉस एग्जामिनेशन। लिमिटेशन लीडिंग क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क इन री एग्जामिनेशन। द री एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस मस्ट बी कन्फाइंड टू एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर्स रेफर टू क्रॉस एग्जामिनेशन। मतलब जो नई बातें सामने निकल के आती हैं वो री एग्जामिनेशन में आप पूछ सकते हैं। Questions asked in examination in chief will not be allowed to ask in re-examination. Re-examination of plaintiff's witness does not offer against relevant provision of law. ठीक हो गया, क्लियर है क्वेश्चन सबको? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर हम। ये किसी का कोई सवाल है तो बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन
एक्सपर्ट ओपिनियन के नाम से या ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन के नाम से आ सकता है। देखें, बाज़ूकात ये होता है केस में तो ये कहा गया कि जिन फैक्ट्स को आपको नॉलेज है सिर्फ आप उसी की स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन बाज़ूकात ये होता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन या किसी ऐसे पर्सन की ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है जो कि उसके हवाले से स्पेशल नॉलेज रखता है, तो अदालत की असिस्टेंस के लिए ऐसे लोगों को बुलाया जा सकता है। इंट्रोडक्शन, जनरली विटनेसेस आर समन जस्ट टू डिस्क्लोज द रियलिटी ऑफ द मैटर एंड आर नॉट परमिटेड टू गिव हिज और हर ओपिनियन ऑन अ फैक्ट इन इशू, बट समटाइम्स द एक्सपर्ट्स आर इन्वाइटेड टू हेल्प द कोर्ट रिगार्डिंग एनी इंपॉर्टेंट मैटर। रेलिवेंट प्रोविजन 59 to 65 ऑफ USO, डेफिनेशन ऑफ एक्सपर्ट पर्सन, अ पर्सन हु थ्रू एजुकेशन और एक्सपीरियंस हैज़ डिवेलप स्किल और नॉलेज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट सो दैट ही और शी मे फॉर्म एन ओपिनियन डैट विल असिस्ट द कोर्ट। जनरल रूल, द ओपिनियन ऑफ अ थर्ड पर्सन ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट इज इररेलेवेंट एंड देयरफॉर इनएडमिसिबल। एक्सेप्शन टू जनरल रूल, देर आर केसेज इन विच कोर्ट इज नॉट इन अ पोजिशन टू मेक करेक्ट जजमेंट विदाउट द हेल्प ऑफ पर्सन हैविंग स्पेशल स्किल और एक्सपीरियंस ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इन सच केसेज कोर्ट में सीक द असिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग पर्सन, एक्सपर्ट, अ पर्सन नॉट एन एक्सपर्ट। एन एक्सपर्ट अंडर आर्टिकल 59, पर्सन हैविंग स्पेशल स्किल और एक्सपीरियंस ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट, व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन द पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैंड राइटिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट, फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉ एक्सपर्ट मीन्स अ पर्सन हु इज़ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर ऑफ फॉरेन लॉ और हु होल्ड सच ऑफिशियल पोस्ट विच रिक्वायर्स एंड देयरफॉर प्रेजेंट नॉलेज ऑफ दैट लॉ। बाकी ये साइंस, आर्ट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैंड राइटिंग, ये तमाम इसके वाले से एक्सपर्ट ओपिनियन में आ जाते हैं सारे। अब वो कैटेगरी देखते हैं जो कि एक्सपर्ट पर्सन में नहीं कहलाती, या आप ऐसे कह लें जो थर्ड पर्सन कहलाते हैं। मीनिंग, इट मीन्स दोज पर्सन टू होम कोर्ट रेफर्स ड्यू टू देयर डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट नॉलेज। दे आर नॉट एक्सपर्ट बट आर इन्वाइटेड ड्यू टू देयर डिस्टिंक्ट रेफरेंस टू द मैटर इन इशू। इंस्टांसिस ऑफ सच पर्सन, पर्सन हैविंग अ डिस्टिंक्ट नॉलेज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ राइट और कस्टम, पर्सन हैविंग अ डिस्टिंक्ट नॉलेज as to usage and tenets of a group of men or family, person having a distinct knowledge as to meaning of technical, local and provincial abbreviations and of words used in a particular sense, person having distinct knowledge as to the existence of a particular relationship, no matter they family members or not. When an opinion is presented before a court, jab cross examination सबमिट, एक तो क्रॉस एग्जामिनेशन से पहले जो चीफ है उसमें ओपिनियन सबमिट की जा सकती है, प्रेजेंट की जा सकती है अदालत के सामने। एविडेंशियल वैल्यू क्या है, ये रिपोर्टेबल है, फाइनल नहीं कंसिडर होगी, हैविंग नो बाइंडिंग इफेक्ट, रिक्वायर्स कॉरोबोरेशन। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है आपको? हॉस्टाइल विटनेस आप छोड़ सकते हैं, ये मेरी तरफ से आप ना ही रहने दें क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? हॉस्टाइल विटनेस है ना, जो एक वो क्वेश्चन छोड़ दें और ये जो नेक्स्ट है रेलिवेंसी, डिस्टिंग्विश रेलिवेंसी फ्रॉम एडमिसिबिलिटी, ये भी क्वेश्चन छोड़ दें। अच्छा, ये ना एक सवाल करना था, ये जो अभी आपने हमें आर्टिकल 132 और 133 और आर्टिकल 143 करवाया है, अब एक ये जो क्वेश्चन है लीडिंग क्वेश्चन, तो ये इसमें सारा कुछ आ सकता है? देखें, लीडिंग क्वेश्चन एक अलग टॉपिक है, वो अलहदा से करवाऊंगी, और जो एग्जामिनेशन इन चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन है वो अलग टॉपिक है, उसको उसमें मिक्स मत करें, ठीक है? लीडिंग क्वेश्चन यस और नो की सूरत में होते हैं और वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जरूर जाते हैं, लेकिन ये एक फुल फ्लेज अलहदा से टॉपिक है, ठीक है? मैं करवा दूंगी, आपको कोई मसला नहीं है। अच्छा, आगे आते हैं। नहीं नहीं, मुझे पता है, मैं उसे अच्छा अच्छा उसके बाद हॉस्टाइल विटनेस और ये रेलिवेंसी वाला क्वेश्चन छोड़ दें, क्योंकि काफ़ी आपने क्वेश्चंस करने हैं, तो अगर आप इसको मिस कर देते हैं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, एडमिशन ये भी इम्पोर्टेंट है, ये डिफरेंस कन्फेशन के साथ भी आ सकता है या अलहदा से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले तो आपके समझना है कि एडमिशन होता क्या है। जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं ना ओरल में या डॉक्यूमेंट्री में किसी फैक्ट के हवाले से, मतलब आप एक प्रिज्यूम कर लेते हो कि कोई चीज़ है, उसके लिए आपको ओरली या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ता है, इसको हम लॉ की जुबान में एडमिशन कहते हैं। अब ये आर्टिकल 30 में एडमिशन की डेफिनेशन दी हुई है, मैं ज़रा थोड़ा सा क्विक जाऊँगी,
और इसमें इसके एसेंशियल्स दे दिए हैं कि स्टेटमेंट है ओरल में भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है। ये एक इन्फ्रेंस को सजेस्ट करती है, इन्फ्रेंस मीन्स प्रिजम्पशन, ये जो आपने एक मफरूजा बना ली कि ऐसे कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो वो कोई जो बंदा दे सकता है उस हवाले से ना आर्टिकल 31 से ऑनवर्ड्स बताया गया है कि कौन से लोग हैं जो वो स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। बाकी ये कई किस्म की एडमिशन्स होती हैं, ये आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा इधर ना बेयर एक्ट का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मेरा बनाया हुआ नहीं है एडमिशन, लेकिन मैं आपको ना कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर देती हूँ कि एडमिशन के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स देखना ज़रूरी हैं। एक मिनट ज़रा, शहादत ऑर्डर। इस तरफ तवज्जो दें, सिर्फ हम इम्पोर्टेंट इसमें पढ़ेंगे। आप बेशक बेयर एक्ट से भी क्वेश्चन बना सकती हैं। अच्छा ये देखें, सबसे पहले आप कन्फेशन की डेफिनेशन देखें कि आर्टिकल 30 में कहा जा रहा है एडमिशन डिफाइंड एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट्री which suggest any inference as to any fact in issue or relevant fact and which is made by any of the person and under the circumstances herein after mentioned. ये एक स्टेटमेंट है जो आप ज़ुबानी भी दे सकते हैं या दस्तावेज़ात की सूरत में दे सकते हैं, जिसमें आप एक प्रिजम्पशन ले डाउन करें किसी फैक्ट के हवाले से। वो फैक्ट इन ईशू भी हो सकता है और रेलिवेंट फैक्ट भी हो सकता है। अब कौन से लोग हैं जिनकी स्टेटमेंट एडमिशन कंसिडर होती है, तो ये आर्टिकल 31 से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। स्टेटमेंट मेड, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग, मतलब एक पार्टी आ गई, और बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्टी होम द कोर्ट रिगार्ड्स अंडर द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली ऑथराइज बाय हिम टू मेक देम आर एडमिशन। पार्टी एजेंट की तरफ से या स्टेटमेंट मेड बाय पार्टीज टू द सूट सुइंग और सूट इन अ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, या जो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में सूट फाइल करते हैं या डिफेंड करते हैं। आगे है स्टेटमेंट मेड बाय पर्संस हु हैव एनी प्रोप्राइटरी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट, मतलब जिनका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है या मालियाती एतबार से भी हो सकता है, और वो इंटरेस्ट उनका एग्जिस्ट कर रहा हो। अगला है जिनसे आप इंटरेस्ट ड्राइव कर रहे हो, मतलब के बेनिफिशरीज, पर्संस फ्रॉम होम द पार्टीज टू द सूट हैव ड्राइव देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट आर एडमिशंस इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग द एडमिशन मेकिंग द स्टेटमेंट। अच्छा, उसके बाद आर्टिकल 32 में कहा गया कि जब आपने कोई स्टेटमेंट देते हो पोजिशन के हवाले से या लाइबिलिटी के हवाले से, तो वो भी एडमिशन है। स्टेटमेंट मेड बाई पर्सनस whose position or liability it is necessary to prove as against any party to the suit or admission if such statement would be relevant as against such person in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, matlab jiske zariye aap position ka izhar kare ya liability ka izhar kare to wo statement bhi admission kehlayegi। simple wording mein bhi aap isko likh sakte hain, illustration bhi yahan se le sakte hain। आर्टिकल 33 में सिंपल बताया गया कि जो पार्टीज़ अपने गवाहान को पेश करती है ना, जिन्हें इंफॉर्मेशन के बारे में पता होता है, तो उनकी स्टेटमेंट भी एडमिशन कहलाती है। अच्छा, अब एक अलहदा से क्वेश्चन भी आ जाता है कि जनरल प्रिजम्पशन तो ये है कि एडमिशन को ना अपने बिहाफ पे प्रूफ नहीं किया जा सकता, अगेंस्ट ही किया जा सकता है, लेकिन ऐसे कौन से सरकमस्टांसिस हैं जिनमें आपके बिहाफ पे भी एडमिशन को प्रूफ किया जा सकता है। तो पहले तो आप वो सारा वही लिखोगे एडमिशन के हवाले से, फिर आर्टिकल 34 को एलेबरेट करोगे। प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन हिज बिहाफ, एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम और हिज रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम और बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर वन, an admission may be proved by or on behalf of the person making it when it is of such a nature that if the person making it were dead it would be relevant as between third person under article 46, matlab dying declaration ke taur pe wo statement admissible hoti hai as a admission। two clause, an admission may be proved by or on behalf of the person making it when it consists of a statement of the existence of any state of mind or body relevant or an issue
made at or about the time when such state of mind or body existed and is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable. ऐसी admission जो कि ये बता रही है कि आपकी जहनी कैफियत कैसी थी, जिस्मानी कैफियत कैसी थी, और वो इस तरह से दी गई है कि आपको पूरा यकीन है कि यह झूठ नहीं हो सकता. थ्री क्लॉज. एन एडमिशन मे बी प्रूव बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलिवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन. मतलब जहाँ पर रेलिवेंट होगी वो फिर एडमिसिबल हो जाएगी. ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन हो सक आ सकता है, तो फिर आप उसी के मुताबिक ना क्वेश्चन अपना अपडेट कर लीजिएगा. ठीक है, समझ गए हैं कि किस तरह से आपने करना है. मतलब जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया है. आप बेशक बेयर एक्ट को ही आप कंपोनेंट्स में लिख के मेन या हेडिंग्स बना के आप उसको लिख सकते हैं. बाकी कंपैरिजन पे अलहदा से क्वेश्चन आ सकता है, उसको फिर अलहदा से हम देखते हैं. ये आपका एडमिशन के हवाले से हो गया. अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पुलिस ऑफिसर के सामने जो कन्फेशन दी जाती है ना, उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता. ठीक है, ये QSO के रेफरेंस से और CRPC के रेफरेंस से ये बताया गया है कि कुछ सेफ गार्ड्स दिए गए हैं. उन्हीं में से एक सेफ गार्ड ये भी दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर के सामने जो कन्फेशन है ना, वो इनएडमिसिबल है. कन्फेशन आपको क्लियर होगा कि जिसमें आप अपने गिल्ट की एडमिशन देते हो कि आपने ये गलत काम किया. तो जनरल रूल यहाँ पर क्या बताया गया कि नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस. आर्टिकल 38 में बताया गया है. ठीक है, एक्सक्लूजन की रीज़न से जारी बात है कि उसमें अदालत को ये सस्पिशन इन्वॉल्व हो सकता है कि हो सकता है कि ये एक्सट्रैक्ट की गई हैं. तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना बेयर एक्ट का ज़रा हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं. आर्टिकल 37 देखते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में अगर कन्फेशन इंड्यूस करके, थ्रेट करके, प्रॉमिस करके ली गई है और इस हवाले से अदालत मुत्तफिक है, तो वो कन्फेशन इरेलीवेंट कंसिडर की जाएगी. तो जब पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन का क्वेश्चन आता है तो इसमें आप आर्टिकल 37 से लेके आर्टिकल 40 तक हवाला दे सकते हैं. आर्टिकल 37, कन्फेशन कॉज बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इरेलीवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग. अ कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज पर्सन इज इरेलीवेंट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इफ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट टू हैव बीन कॉज्ड बाय एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal. QSO ka cross reference bhi batayega. Acha main ek minute zara isko complete kar do. To give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of temporal nature in reference to the proceeding against him. Confession criminal cases mein irrelevant consider ki jati hai jab adalat ke opinion ke mutabik wo satisfied hai ki kisi authority wale person ne usko realize karwa kar usko ye yakeen dila kar ki tumhe isse advantage hoga ya evil se tum bach jaoge टेम्परेरी नेचर की, तो ये उसके ज़रिए फिर इंड्यूस, थ्रेट और प्रॉमिस करके ली गई है, तो वो इरेलीवेंट कंसिडर की जाएगी. उसके बाद आप आर्टिकल 38 बताएंगे, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड. नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस. आर्टिकल 39, कन्फेशन बाय अक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, सब्जेक्ट टू आर्टिकल 40 है, ये गलत लिखा हुआ है. No confession made by any person whilst means duran he is in the custody of a police officer unless it is made in the immediate presence of a magistrate shall be proved as against person. Magistrate ki maujoodgi hona zaruri hai, otherwise police ke samne jo confession record hoti hai wo inadmissible hai, usko proof nahi kiya ja sakta. Phir iski exception bhi available hai article 40 ke reference se. How much of information received from accused may be proved when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offence in the custody of a police officer, so much of such information whether it amounts to a confession or not as relates distinctly to the fact thereby discovered may be proved. Ab jo information disclose hogi na mulzam se us had tak to wo uske khilaf sabit ho sakti hai, ab isse farak nahi padta wo confession hai ke nahi hai. Theek hai, आर्टिकल 41 भी आप दे सकते हैं इसमें हवाला. कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन कॉज बाई इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस रेलिवेंट,
such a confession as is referred to in Article 37 is made after the impression caused by any such inducement, threat or promise has in the opinion of the court be fully removed, it is relevant. तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं कन्फेशन के हवाले से, तो आर्टिकल 37 से लेके 41 तक आप एलैबोरेट कर सकते हैं, और जो सीआरपीसी में आपने क्वेश्चन तैयार किया है वो भी आप उसमें मटेरियल यूज़ कर सकते हैं. हाँ जी, क्लियर हुआ है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? आप पूछ लें फिर मैं आगे चलूँ. अपनी मर्जी से फिर उसके मुताबिक आप क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए. एज इट इज़ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, ये वाली आपकी फ़ाइल हो गई है. हाँ जी, काफ़ी है या मैं फिर आगे कंटिन्यू रखूँ? जी आज के लिए काफ़ी है. अच्छा ठीक है, कल जितने क्वेश्चंस हैं उम्मीद है कि कल आपका वाइंड अप हो जाएगा.